आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे खूबसूरत सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म है और जिस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस करने के साथ यहाँ पे आप इसकी चर्चा जितनी करते हैं वहाँ से भी आपको पैसा आता है, साथ के साथ इस जगह पे आके आप इसकी सर्विसेज में जितने खर्च करते हैं वहाँ से भी आपको पैसा जनरेट होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटेक इन्फोटेक के बारे में और काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ इसकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को लेके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS Tech में। तो दोस्तों, डायरेक्टली मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग को लेके चलूँगा डायरेक्टली प्लान की PPT की तरफ। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर हमें बताएं। तो जैसा कि इस PPT में आपका वेलकम किया जा रहा है और इस गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, और हम यहाँ पे देखते हैं यूटेक कंपनी के एड्रेस को लेके। सबसे पहले हमें एड्रेस जानना ज़रूरी है। कंपनी का जो ऑफिस का एड्रेस है ये जयपुर स्थित कंपनी है, जयपुर में बानी पार्क है, 144 फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा कंपनी का ऑफिस है। कंपनी के बारे में सबसे खासियत ये है कंपनी ISO सर्टिफाइड है, कंपनी को ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मीन्स क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस के मामले में। अब हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने जो मिशन जो रखा हुआ है, कंपनी ने आगे के डेट में रखा हुआ आने वाले 5 सालों में 300 मिलियन लोगों का टारगेट रखा हुआ है ताकि उन लोगों को रेगुलर बेस पे कंपनी इनकम जनरेट करके दे सके। कंपनी के जो लीगल टीम है, जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। कंपनी के CMD है चंद्रवान सिंह राजावत, ये चार की जो तिक्रम है ये काफ़ी ज़्यादा, जो कहते हैं कि चार स्तंभ होने चाहिए, चार पिलर होने चाहिए, तो ये चार पिलर की तरह कंपनी की मैनेजमेंट सर्विस है। जो मैनेजमेंट में सारे लोग हैं ये पहले CMD हैं चंद्रवान सिंह राजावत जो लॉयर है, दूसरे हैं आपको डायरेक्टर है कुमार हेमचंद्र जिन्होंने देश की सेवा की, रिटायर आर्मी थे मेडिकल के डिपार्टमेंट से और वहाँ पे से इन्होंने BRS लिया हुआ है। थर्ड है डायरेक्टर रोहित शर्मा जो अकाउंटेंट है और फोर्थ है डायरेक्टर विनोद कुमार प्रजापत जो कि काफ़ी यंग लीडर है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते हैं टीम के साथ, टीम वगैरह बिल्ड करने में, साथ के साथ बिजनेस को ग्रो करने में। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर आप खर्चे भी करेंगे तो भी पैसा जनरेट होगा और इसके चर्चे भी करेंगे तो भी पैसा जनरेट होगा। तो आखिर यहाँ पे एंट्री का मोड क्या है? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्री मोड है, मीन्स आप फ्री में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे दूसरा जो मोड है ये प्राइम मेंबरशिप के लिए ओपन होता है, क्योंकि फर्स्ट जो फ्री होंगे वो सिर्फ यहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। खर्च में जो पैसा आपको जनरेट होगा, मीन्स आप जितनी भी सर्विसेज ऑल ओवर सर्विसेज यूज़ करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, उस हर सर्विस पे आपको कैशबैक आपको यहाँ से जनरेट होने वाला है। सेकेंड जो चीज़ है ये है हमारे आती है प्राइम बिजनेस एसोसिएट्स की। यहाँ पे आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी होती है जिसके बाद आप सर्विसेज तो यूज़ करते ही हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आप इनकम लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही है, वो प्राइम मेंबरशिप की तरफ जाना चाहेंगे, पर मेरा काम है आपको बताना। आपको अगर लग रहा है कि बिज़नेस नहीं करना है सिर्फ सर्विसेज यूज़ करनी है तो आप फ्री की दिशा में आ सकते हैं, आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिज़नेस करना है, इसके सारे एडवांटेज लेने हैं, मीन्स खर्चों में भी पैसा चाहिए और चर्चों में, तो आपको इसके प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी। अब हम देखते हैं कि आखिर कितनी सारी सर्विसेज पर हम यहाँ से एडवांटेज ले सकते हैं। इस एक प्लेटफॉर्म के बाद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है जो कि आपके आज के डेट में फ़ोन को हैंग करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीन्स आपके फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशन एक साथ मौजूद होते हैं। पर यहाँ पे आप यूटिलिटी बिल सर्विस यूज़ कर सकते हैं, कंपनी से पैन कार्ड, आपकी गाड़ी के फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लीगल सर्विस यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के प्रीमियम को पे कर सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज है, स्पा ब्यूटी, इस तरह की कई जाने बहुत तरह की सर्विसेज हैं, हॉलीडे पैकेज बाय कर सकते हैं। और कंपनी के धीरे धीरे अभी 250 प्लस सर्विसेज आने वाली है और यहाँ से मूवी टिकट वगैरह सारी चीज़ें आप साथ के साथ बुक कर पाएंगे, तो हर चीज़ से यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। और साथ के साथ अगर आपके टीम जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो आपसे कनेक्ट होते हैं ये प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, उनसे भी आपको पैसा जनरेट होता है जो कि एक पैसिव इनकम के तौर पर उभर के आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेनिफिट्स क्या है, आपको आखिर एक प्राइम मेंबरशिप लेने का क्या फ़ायदा होगा जो आप यूटेक के प्राइम मेंबर बनेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा फ़ायदा आपको, जो मैंने बताया कि कैशबैक मिलता है। ये कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देती है वो उतना कंपनी सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और आपको इंडिविजुअल भी यहाँ पर कैशबैक मिलता है।
डायरेक्ट जो आप जितने लोगों को रेफर करते हैं उस पर रेफर इनकम मिलता है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट का। इसको मैं आगे डिक्लेयर करता हूँ, ऐसे मैं अभी बता दूँ आपको 250 रुपीज़ मीन्स 590 में 90 रुपीज़ GST है, 50% आपको एज ए रेफर कमीशन मिल जाता है और वो इमीडिएट आप विड्रॉ कर सकते हैं। लाइफ टाइम रॉयल्टी है इसमें, जब भी आप रैंकिंग अचीव करेंगे लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी मिलती है। लगातार इसके कंपनी के बोनांजा ऑफर्स चलते रहते हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी है, चूँकि ये नेक्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, कंपनी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर नॉमिनी अपना चुन सकते हैं ताकि इसके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। इंस्टेंट पे आउट है 24/7, ये आपका वॉलेट एक तरह से ATM का काम करता है, जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेवल पे मीन्स जितने आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं, आपने एक व्यक्ति को रेफर किया आपको 250 रुपीज़ की अर्निंग होती है, आपने 10 लोगों को रेफर किया 2500 रुपये की अर्निंग होती है। पर आखिर इस अमाउंट ह्यूज को देख के आपको लग रहा होगा कि आखिर इतना कैसे मिल रहा है, तो मैं इसके कैलकुलेशन भी आपको अभी इमीडिएट दे दूंगा। फर्स्ट लेवल पे 250 है, सेकंड पे 30 है, थर्ड लेवल पे 20 रुपीज़, 4-5 लेवल पे 10 रुपीज़ और 6-20 लेवल पे मिलते हैं 5 रुपीज़। और इस हम टोटल कैलकुलेशन को आप ऐड करते हैं अगर, तो टोटल होता है आपको 395 रुपीज़। आप इसे अपने कैलकुलेटर वगैरह पे ऐड कर सकते हैं। कंपनी को जो यहाँ पे टोटल जो बच रहा है, ये बच रहा है 105 रुपीज़, मीन्स कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि 500 में अगर 395 को माइनस करते हैं 105 बचता है। पर इसे भी कंपनी अपने पास ना रख के कुछ अमाउंट को यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो हम देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में। पैसिव इनकम, आखिर ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है जहाँ पे आपको खर्चों से पैसा आ रहा है, मीन्स आप जो सर्विसेज यूज़ करते हैं वहाँ से जो आपको पैसा जनरेट होता है, ये आपका पैसिव इनकम के तौर पर वर्क करेगा। जैसे कि आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, जितनी भी सारी सर्विसेज जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, मोबाइल रिचार्ज, आप पोस्टपेड का बिलिंग पे करें, या आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, या आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करें, या लोन की किस्त पे करें, वो हर सर्विस पे पैसा जनरेट होता है और उसका 25% जितना कैशबैक जनरेट होता है उसका 25% आपको इंडिविजुअल मिल जाता है। रेस्ट का जो परसेंटेज है ये 20 लेवल में बांट दिया जाता है, और ये जो बताया जाता है ये फर्स्ट लेवल में 10% दिया जाता है, सेकंड लेवल में 6%, थर्ड पे 4%, 4-5 लेवल पे 2% और 6-20 पे 1%। मीन्स आप जो भी टीम बनाते हैं वो आपके लिए एक तरह से आपके एक बायर का काम करते हैं, वो जब भी सर्विसेज यूज करेंगे तब आपको पैसा जनरेट होगा। यहाँ पे हम एक और इनकम को देख रहे हैं जो कि यहाँ पे दिखा है प्रोजेक्टेड सर्विस पैसिव इनकम, एक प्रोजेक्टेड वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। प्रोजेक्टेड का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो कि हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में ऑनलाइन में रजिस्टर्ड है, जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या हर तरह की जगह पे, शॉपक्लूज पे रजिस्टर्ड है, जो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे कंपनी ये कह रही है आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम इस चीज़ का एडवांटेज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, और वो किस तरीके से देगी वो कंपनी यहाँ पे आपको बता रही है। जैसे कि आपने एक सेलर को अगर लेके आते हैं तो यहाँ से कंपनी की तरफ से अगर एक सेलर लेके आता है और उनका पर डे का टर्नओवर अगर 1 लाख रुपीज़ का होता है, तो मीन्स उसका 0.50% वो इनकम आपको मिलती है 500 रुपीज़ के तौर पर। अगर इसी तरीके से 10 सेलर होते हैं, ये एक प्रोजेक्टेड फिगर है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये डिफरेंट हो सकती है। हो सकती है कि 10 सेलर का टर्नओवर एक दिन का 5 लाख हो, या हो सकता है 10 लाख भी हो, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया जितने सेलर होते हैं उनका 0.50% डायरेक्ट सेलर रेफरल इनकम मिलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर 1 लाख का टर्नओवर मीन्स 500 रुपीज़, अगर 50 लाख का टर्नओवर होता है तो 25,000 रुपीज़ ये पर डे, और ये उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, मीन्स वो यहाँ पर आके फ्री में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इससे पहले हम जिस प्रोजेक्टेड सर्विस पैसिव इनकम की बात कर रहे थे, ये सर्विस इनकम है, हम जो यहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज और साथ के साथ आप DTH रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी भी तरह की चीज़ें आप जो यूज़ करते हैं, यहाँ से अगर एक व्यक्ति आपकी टीम, आपके जितने लेवल तक की टीम है, वो अगर 100% अगर 1 रुपये अगर जनरेट करके देते हैं तो वो 100 रुपीज़ आपका बनता है। ये एक प्रोजेक्टेड इनकम है, ये हो सकता है 0.50% भी हो सकता है 0.10% भी, चूँकि किसी सर्विस पे 10 रुपये भी कैशबैक जनरेट हो सकता है और किसी सर्विस पे 1 रुपये भी जनरेट हो सकता है। और इसी तरीके से बताया गया पैसिव इनकम बहुत ज़बरदस्त इनकम होने वाली है जैसे आपकी टीम लार्ज होती है, और काफ़ी बड़ी इनकम ये आपको बना के देगी।
और हम एक स्लाइड देख लेते हैं जो यहाँ पे सेलर्स आखिर इस प्लेटफॉर्म पे आके क्यों अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। सेलर्स को यहाँ पे मिलता है प्रमोट, वो बिजनेस में कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं। इंस्टेंट बिलिंग मिल जाता है उनको, कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। इंक्रीज वो अपना कस्टमर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी यूज़र्स होंगे ऑलरेडी 10,000 प्लस अप्लीकेशन डाउनलोड है, तो इसके जितने भी यूज़र्स होंगे वो इसके लिए एज ए बायर का काम करेंगे। साथ के साथ वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिजिटल मोड पे होगा, मीन्स यहाँ पे कोई उधार, कोई नकद का कोई भी सीन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और साथ के साथ उनको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस नहीं लगेगा, तो उनके लिए एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। मीन्स वो अपना बिजनेस ईजिली कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब हमने इस बिजनेस को समझा है तो हमें यहाँ की रैंकिंग समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहा है अभी सिस्टम में, चूँकि यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है इसी रैंकिंग के बेस पे। और मुझे ये पार्ट काफ़ी पसंद आया है, मैं इसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुआ हूँ जो यहाँ पे रैंकिंग इनकम रखी गई है। तो ये हम आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि रैंकिंग किस तरीके से। ब्रॉन्ज रैंक रखा गया आपको 15 डायरेक्ट अगर आपके होते हैं तो आपको ब्रॉन्ज रैंक होता है और आपको मिलती है एक ट्रॉफी। सिल्वर के नीचे अगर 5 ब्रॉन्ज होते हैं तो आपको मिलेगा एक सिल्वर कॉइन और आप बनते हैं सिल्वर। इसी तरीके से ये रोटेट होता रहेगा, गोल्ड के नीचे 5 सिल्वर आते हैं, प्लेटिनम के नीचे आपको 5 गोल्ड रैंकिंग आती है, यहाँ पे एक टैबलेट मिलता है, डायमंड बनने पर आपको मिलता है और चार धाम की यात्रा का पैकेज दो लोगों का साथ के साथ, रॉयल स्टार बनने पर एक फोर व्हीलर आपको रॉयल कार मिलती है, क्रॉन स्टार पर 21 लाख रुपीज़ का एक अपार्टमेंट मिलता है, क्रॉन एमएसट पर 1.15 करोड़ रुपीज़ का एज ए गिफ्ट मिलता है, या आप उसे कैश कर सकते हैं या रिवार्ड कर सकते हैं। और ये जितने भी रैंकिंग है ये आपके डायरेक्ट रेफर के थ्रू होना चाहिए, इनडायरेक्ट के थ्रू वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। रॉयल्टी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सिल्वर अगर यहाँ पे एक रफली यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि अगर पर डे 20,000 आईडीज कंपनी के पास आ रही है, टोटल कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़ का और उसका 1% अगर हम देखते हैं वो होता है 1 लाख रुपये, ये 1 लाख सारे सिल्वर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 0.30%, प्लेटिनम 0.20%, डायमंड 0.10%, रॉयल स्टार 0.20%, क्रॉन स्टार 0.30% और क्रॉन एम्बेसडर 0.40%, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रैंकिंग अचीवर्स में। तो ये काफ़ी अच्छी इनकम होने वाली है और ये पर डे आपको मिलने वाली है, जिसके ज़्यादा लोग यहाँ पे शौकीन हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट इनकम दिया गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जितने रैंकिंग को अचीव करने के बाद कितनी इनकम करते हैं, और यहाँ पे एज ए लास्ट है क्राउन एम्बेसडर बनने पे आपको जो रैंकिंग इनकम जो होती है ये 1 करोड़ से अबव पहुँच जाती है। कंपनी में नॉमिनी फैसिलिटी है, बोनांजा ऑफर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे स्कीम्स चलती रहती है जो कि अभी भी चल रही है 30 अप्रैल तक के लिए। और यहाँ पे हम लास्ट में देख लेते हैं जो कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी पूरे कैलकुलेशन पे, कंपनी का यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जा रहा है, कंपनी का GST, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का उद्यम सर्टिफिकेट, फिर यहाँ से पैन कार्ड है, कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन जो आज के डेट में कंपनियों के पास मौजूद नहीं होता है, ISO 9001 अब 2015 का यहाँ पे कंपनी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मिला हुआ है जो कि 2024 में इसकी एक्सपायरी है। साथ के साथ यहाँ पे GST भी कंपनी को मिला हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे अपनी ID एक्टिवेट करते हैं, ID इंस्टेंट एक्टिवेट होते ही आप GST बिल वहीं से अपने एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको वहीं दिख जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी काफ़ी पसंद आई हो। अगर वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो हमारी कैसे पसंद आती है, और चैनल में जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।